दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे केसीए क्लब चैंपियनशिप टी20 टूर्नामेंट के एक और मुकाबले के बारे में जो खेला जाएगा बीके वर्सेस जेआरओ के बीच में। अगर पिच के बारे में बात करें तो दोस्तों ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश वाला वेदर है, आउटफील्ड भी काफ़ी स्लो हो चुका है, तो इस विकेट पर बैटिंग करना इतना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा। जो बल्लेबाज दोस्तों थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके रुककर बल्लेबाजी करेगा वो यहाँ पे कुछ रन बना सकता है, अदरवाइज जो एक्स्ट्रा स्पोर्ट है वो दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजों को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीकेके के बारे में। तो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, इसमें आपको कोई भी चांस देखने को मिल सकता है। अभी हम बात करते हैं इनके प्लेयर्स की परफॉर्म के बारे में। मोहम्मद कैफ है दोस्तों, वैसे तो काफ़ी अनुभवी प्लेयर है दोस्तों, काफ़ी लंबे टाइम से ये केरला के अंदर खेल रहे हैं, लेकिन पिछले जो चार मैच रहे थे वहाँ पर दोस्तों इनकी दो मैच में पारी आई थी, मिड ऑर्डर में खेलते थे और 10 रन बनाए थे, 5 का बैटिंग एवरेज था, तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार का इनके पास दोस्तों ओवरऑल मैचेस का अनुभव है वो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो ग्रैंड लीग में मोहम्मद कैफ को दोस्तों आप ज़रूर ट्राई करना, स्मॉल लीग में थोड़ा सा दूरी बनाकर चल सकते हैं। इनके बाद सलमान निज़ार हैं, 6 मैचेस की 6 इनिंग में पिछले टूर्नामेंट में 105 रन बनाकर आए हैं। बैटिंग में देखोगे तो दोस्तों 22, 19, 26, 35 चार मैच अच्छे रहे थे, लास्ट मैच में खाता नहीं खोला। कुल मिलाकर दोस्तों सलमान निज़ार एक अच्छी पिक रहेगी, 20-25 रन बना सकते हैं। इनके बाद एम नीरज हैं, 4 मैच की 4 इनिंग में 45 रन बनाए, 21-7-2 और लास्ट मैच में 15 बनाकर आए हैं। इनके बाद यहाँ से वेद साहिल ए दयानंद हैं, जिनकी 3 मैच में से 2 मैच में पारी आई थी, 11 रन बनाए थे, लगभग 4 के आसपास का बैटिंग एवरेज है। एम सिरूप काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर हैं, बैटिंग में 31 और 47, ये दो इनकी टॉप इनिंग है पिछली 5 पारियों में। बॉलिंग में 0 विकेट 0 विकेट और यहाँ 0 विकेट, यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा विकेट तो इनको नहीं मिले, लेकिन फिर भी बैट और बॉल दोनों करते हैं, तो एक अच्छी पिक आपके लिए बन सकती है, तो ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप इनको बना सकते हैं। ए चंद्रन 2021 के अंदर दोस्तों अभी इन्होंने जो रिसेंट खेला था वहां पर इनका दोस्तों 4 रन 0 विकेट 1 विकेट 9 रन 0 विकेट 1 विकेट और दोस्तों 47 रन प्लस 0 विकेट ये रहा था। और इनके अलावा 5 मैच में दोस्तों इन्होंने टोटल 14 ओवर बॉलिंग करते हुए 6 विकेट भी पिछले सीजन में निकाले थे, तो अक्षय चंद्र ने दोस्तों वो बैट और बॉल दोनों में आपके लिए एक अच्छी पिक बन सकती है, तो कैप्टन वाइज कैप्टन भी आप इनको बना सकते हैं, बिल्कुल एक अच्छी पिक रहेगी। इनके बाद अभिजीत के हैं, 6 मैच की 5 इनिंग में 14 ओवर बॉलिंग करते हुए दोस्तों ओवरऑल इन्होंने 6 विकेट निकाले हुए हैं, और रिसेंटली 2 विकेट 7 रन 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, तो कुल मिलाकर दोस्तों गेंदबाजी के तौर पर ये भी एक ठीक ठाक पिक है। इनके बाद अहमद फ्रीजन, 9 मैचेस की 9 इनिंग में दोस्तों इन्होंने 36 ओवर बॉलिंग करते हुए 13 विकेट निकाले हुए हैं, और रिसेंटली 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, ये दोस्तों इनका रिसेंट है। तो दोस्तों फर्जीन है वो भी एक बिल्कुल पावर पिक है बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बॉलिंग के दम पर आप इनको कैप्टन वाइज कैप्टन भी बना सकते हैं। विनूप मनोरन, 4 मैच की 4 इनिंग में 10 ओवर बॉलिंग करते हुए सिर्फ 1 विकेट मिला है, एक एवरेज पिक है, बैटिंग भी नहीं चली है, बॉलिंग भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही। मोहम्मद फैजल हैं, ओवरऑल रिकॉर्ड अवेलेबल है, 19 मैचेस की 7 इनिंग में दोस्तों इन्होंने 9 ओवर बॉलिंग की हुई है और सिर्फ 2 विकेट इनके नाम हैं। इनके बाद यहाँ से आतिफ बिन अशरफ हैं, 5 मैचेस की 4 इनिंग में 13 ओवर बॉलिंग करते हुए दोस्तों टोटल इन्होंने 6 विकेट निकाले हैं। बाकी बैच के प्लेयर में से कोई भी अगर खेलेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। अब हम बात करें दोस्तों जेआरओ के बारे में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई के मेहनत और मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जेआरओ की ओर से दोस्तों अखिल राज आपको ओपन करते हुए नज़र आ सकते हैं, पिछले सीजन में 9 मैचेस की 9 इनिंग में टोटल 39 रन थे, प्लस में दोस्तों 8 ओवर इन्होंने बॉलिंग की थी, 3 विकेट भी निकाले थे, तो बॉलिंग दोस्तों इतनी खास नहीं है, बैटिंग में ज़रूर ऊपर खेलते हैं तो कुछ रन बना सकते हैं, हालांकि एक एवरेज पिक है। मोहम्मद सोहेब हैं, 3 मैचेस की 3 इनिंग में 29 रन बनाए हैं, लगभग 10 का बैटिंग एवरेज है। इनके बाद निखिल टी, 7 मैचेस की 6 इनिंग में टोटल 91 रन है, 18 का बैटिंग एवरेज है, पिछली 4 पारियों में 49, 2, 17 और 8 रन बनाकर आए हैं। इनके बाद मसूर पी, ओवरऑल 18 मैचेस की 15 इनिंग में 221 रन इनके नाम है, 16 का एवरेज है बैटिंग में, प्लस में 25 ओवर बॉलिंग करते हुए 7 विकेट बॉलिंग में निकाले हैं।
आनंद कृष्णन है 2021 में दोस्तों, इन्होंने 5, 9, 16, 11 और 22 किए हैं। और पिछले सीज़न में दोस्तों इन्होंने 4 मैच की 4 इनिंग में 287 रन बनाए थे, 62 का एवरेज रहा था। तो आनंद कृष्णन दोस्तों बैटिंग डिपार्टमेंट में बिल्कुल एक पावर पिक रहने वाली हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। इनके बाद साली सैमसन 4 मैच की 3 इनिंग में 31 रन है, 9 का बैटिंग एवरेज है। मोहम्मद शाफी का ओवरऑल 39 मैचेस की 36 इनिंग में 660 रन, लगभग 24 का बैटिंग एवरेज, प्लस में 87 ओवर बॉलिंग करते हुए 27 विकेट बॉलिंग में निकाले हैं। रॉबिन कृष्णन 12 मैचेस की 12 इनिंग में 134 रन इनके नाम है, 11 का बैटिंग एवरेज है, प्लस में दोस्तों बॉलिंग भी करते हैं। 15 रन 0 विकेट 2 रन 0 विकेट 13 रन 1 विकेट 21 रन 0 विकेट 26 रन 0 विकेट, यानी दोस्तों रूबिन कृष्णा बिल्कुल एक पावर पिक रहेगी, कभी भी दोस्तों ऊपर बैटिंग करने के लिए आ सकते हैं, लगभग नंबर 4 या 5 पे लगभग खेलते हैं। और बॉलिंग का दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल रिकॉर्ड तो मैं लिखना भूल गया, लेकिन दोस्तों बॉलिंग करवाते हैं तो बिल्कुल एक पावर पिक है, ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। जुबिन एन के 2 मैच में से दोस्तों इन्होंने 1 इनिंग में पारी आई थी, 1 रन बनाया। बॉलिंग में दोस्तों 1 विकेट और 0 विकेट ये इनकी बॉलिंग रही है। साबिन पासा और ओवरऑल 5 मैचेस की 5 इनिंग में 133 रन, 44 का बैटिंग एवरेज, प्लस में 20 ओवर बॉलिंग करते हुए 9 विकेट बॉलिंग में है। तो साबिन पासा दोस्तों बिल्कुल एक पावर पिक रहने वाली है, और मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये आपको टॉप ऑर्डर में या फिर नंबर 5 के आसपास खेलते हुए नजर आ सकते हैं, तो ज़बरदस्त पिक है, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। विग्नेश पुथुर है ओवरऑल दोस्तों 21 मैचेस की 13 इनिंग में 108 रन है, 14 का बैटिंग एवरेज है, प्लस में दोस्तों 75 ओवर बॉलिंग करते हुए 28 विकेट बॉलिंग में है, और लास्ट जो मैच खेला था उस टाइम इन्होंने 1 विकेट निकाला था। बाकी बेंच के प्लेयर में से जो भी खेलेगा पूरी अपडेट आपको रिकॉर्ड के साथ टेलीग्राम में मिल जाएगी, और टेलीग्राम के 2 लिंक आपको वीडियो के नीचे भी मिलेंगे। अगर लिंक काम ना करे तो आप टेलीग्राम में जाके हमें सर्च भी कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम में जाकर टाइप करना है WGF24 और सर्च करके जुड़ जाना है टेलीग्राम के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों डेमो टीम की। निखिल टी है, पी मासा, ए कृष्णन, एम सोहेब हैं, इनके बाद ए चंद्रन है, एम सारिक, यहाँ से एम साफिन, यहाँ से दोस्तों आर राविन को ट्राई किया है, वी मनोरन, यहाँ से दोस्तों ए फर्जिन और यहाँ से एन जुबिन। तो दोस्तों मैंने अभी के लिए एक रिस्की ग्रैंड लीग की टीम यहाँ पे बनाई है, जिसमें कैप्टन वाइस कैप्टन ए चंद्रन अच्छी पिक है, इनके अलावा पी मासल और यहाँ से दोस्तों राविन को इनको ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी बॉलिंग डिपार्टमेंट में दोस्तों फर्जिन भी एक अच्छी पिक रहने वाली है, वी मनोर भी दोस्तों एक ठीक ठाक प्लेयर हैं। बाकी हमारी जो फाइनल टीम रहेगी, चाहे स्मॉल लीग की हो या ग्रैंड लीग की, वो पूरी टॉस पे ही डिपेंड रहेगी, और टॉस के बाद जो भी चेंज होगा आपको टेलीग्राम में बता दिया जाएगा। तब तक के दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हर फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मिस मत करें, टाइप करें WGF24 और सर्च करके जुड़ जाएं टेलीग्राम के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।